नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 4, हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा, यानी पाठ 4 के लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, हमने इस पाठ में अपने तिरंगे के बारे में जाना था, इसके तीनों रंगों के बारे में जाना था, इसके प्रारूप के बारे में जाना था और इसके महत्व के बारे में जाना था कि यह हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, इसके जो तीन रंग होते हैं वो किस किस चीज़ के प्रतीक होते हैं। आज हम उसी पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया, इसमें कौन कौन से रंग हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया और दूसरा कि इसमें कौन कौन से रंग हैं। तो पहले हम पहले का उत्तर लिखेंगे फिर दूसरे का। तो पहले का उत्तर है बच्चों, तिरंगे का नाम तिरंगा इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें तीन रंग हैं और यह जो नाम है तिरंगा, यह झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। इसमें कौन कौन से रंग हैं? इसमें केसरिया, सफ़ेद व हरा रंग है। हो गया बच्चों पहला प्रश्न। अब है दूसरा, तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है। अब बच्चों, अब हमें जो झंडे का जो सबसे ऊपर का पहला रंग होता है तिरंगा केसरिया, वह क्या दर्शाता है? वह रंग हमारे देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बच्चों, जो हमारे देश के लिए जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए हैं, हमारे देश के फौजी हैं, हमारे देश के जो जवान हैं और जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारा साथ दिया, उन देशों उनके बलिदानों का प्रतीक है कौन सा रंग? केसरिया रंग। अब है बच्चों प्रश्न 3, तिरंगे के विषय में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, जो ये तिरंगा रंग है, तिरंगा है हमारा झंडा, उसके बारे में कुछ बातें हमें याद करने योग्य हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे पहली है बच्चों, तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। बच्चों, जो हम तिरंगा बनाते हैं वह कौन से कपड़े का होना चाहिए? खादी होना चाहिए या फिर सिल्क हो या फिर वह कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। दूसरी बात है बच्चों, जो इसका डंडा होता है, यानी जिस डंडे पे तिरंगा लहराता है, वह हमेशा सीधा रहना चाहिए। तीसरी बात बच्चों, पताका जो है हमारी, यानी पताका जो झंडा है, के डंडे के शीर्ष पर ही लहरानी चाहिए। यानी वह जो हम झंडा लगाएंगे वह कहाँ लगना चाहिए? डंडे के ऊपर। चौथा है बच्चों, राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। बच्चों, जब कोई हमारे देश की राष्ट्रीय शोक सभा होती है या कोई हमारा शहीद जवान होता है या हमें किसी को सलामी देनी होती है या कोई भी राष्ट्रीय शोक होता है हमारा, दुख की हमारे घड़ी होती है, तब हमारा जो झंडा होता है वह आधा झुका होना चाहिए। नंबर 5, फटे या क्षतिग्रस्त या कोई हमारा झंडा फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसे नहीं फहराया जाना चाहिए। और ना ही बच्चों, हमारा जो झंडा है वह कोई हमारी सजावट की चीज़ नहीं है, वह एक हमारे मान और सम्मान की चीज़ है। नंबर 4 बच्चों, तिरंगे का चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है। बच्चों, जो चक्र है तिरंगे के अंदर, वह हमें क्या प्रेरणा देता है? तिरंगे का जो चक्र है हमें सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों, जो हमारा चक्र है वह हमें क्या प्रेरणा देता है? हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराता है। बच्चों, हमारा झंडा जो है वह हमेशा कहाँ कहाँ
प्रतिदिन नित्य मतलब रोजाना लहराता है। देखो बच्चों, सचिवालय में, मुख्य न्यायालय में, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बच्चों, जो ये हमारे सरकारी आलय हैं, इनमें नित्य ही हमारा जो झंडा है वह फहराया जाता है और बच्चा लहराता रहता है। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। अब आप जो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें आपको एक एक करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ लें कि हमारे तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं, या ये अलग से क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया। समझ आ गया बच्चों? तो हमें इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। और जैसे ये चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है, ये आपका 3 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कि तिरंगे के विषय में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कहाँ कहाँ लहराया जाता है। तो बच्चों, आपको ये आना आवश्यक है। बच्चों, वो लिखित प्रश्न उत्तर करने के बाद हम यह बुक एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों कि तिरंगे में कितने रंग हैं, अब आपका 4, 2 या 3, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 3। तिरंगे में कितने रंग हैं? 3। चक्र किस रंग की पट्टी पर बना है, हरे पे, सफ़ेद पे या केसरिया पे? चक्र बीच में बनाया है, तो बीच में कौन सा रंग होता है बच्चों? सफ़ेद। तो क्या आएगा इसका उत्तर? सफ़ेद। चक्र के स्थान पर पहले क्या था बच्चों? क्या था? चरखा, चांद या तारा? चरखा। क्या था बच्चों? चरखा, क्योंकि हमने बाद में फिर चक्र से चक्र अपना लिया था चरखे के स्थान पर। तो इसमें चक्र के स्थान पर पहले क्या था? चरखा। तिरंगे के आकार का सही अनुपात है बच्चों, तिरंगे का अनुपात मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जल्दी बताइए, 2:3, 3:3 या 3:2? बताइए जल्दी से, 3:2 ये बताया था ना, 3:2। देखो मैं आपको उत्तर और दिखा देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो 3:2 था ना, 3:2। समझ आ गया? तो क्या आएगा उसका उत्तर? 3:2। ठीक है, क्या उत्तर आया इसका? 3:2। अब दोबारा से पकड़ लें, तिरंगे में कितने रंग हैं? 3। चक्र किस रंग की पट्टी पर बना है? सफ़ेद। चक्र के स्थान पर पहले क्या था? चरखा। तिरंगे के आकार का सही अनुपात क्या है? 3:2। बच्चों, ये प्रश्न हो गया आपका। अब आ जाइए प्रश्न 2 पे, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, यानी सही करके लिखनी है। ध्वज, ध्वज, आधा ध व पूरा ज, ध्वज। चक्र, ये चर्क बना हुआ है ना, च क क के नीचे र, चक्र, र, र, पदेन वाली मात्रा लगेगी जो पैर में लगती है, पदेन, चक्र। प्रतीक, प के जो री है वो री नहीं लगेगी, पदेन वाला र लगेगा जो पै के अंदर लगता है, प्रतीक। गतिशील, गति पे छोटी आ जाएगी, शील पे बड़ी, गतिशील, ग ता पे छोटी, श पे बड़ी, गतिशील। सचिवालय, वाल्य, सचिवालय की स्पेलिंग गलत है ना, देखो मैं आपको इसमें ही दिखा देती हूँ सचिवालय की। देखो ये रिसर्च पे छोटी वे आर ले, ये सर्च पे छोटी वे आर ले पूरा ये सचिवालय। स्वतंत्र, आधा स व त के ऊपर बिंदी, तंत्र, तंत्र,
आधा से आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। आधा सा स्वतंत्र स्वतंत्र। अब बच्चों अब भाषा के लिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बस इतना ही हम पूरा करेंगे यहाँ तक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है, जैसे हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो सम्मान का विपरीत क्या हो जाएगा, सम्मान का अपमान है ना। सम्मान का विलोम शब्द करके यहाँ लिखेंगे अपमान। इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, स्वीकार मतलब अपना लेना, उल्टा क्या हो जाएगा अस्वीकार, अ लग के स्वी अब बाकी स्वीकार यूँ का यूँ आ जाएगा अस्वीकार। सफ़ेद रक्ष शांति का उल्टा क्या होगा अशांति, सत्य का असत्य और ज्ञान का अज्ञान, तीनों के साथ अ लग जाएगा और यहाँ लिख देना अशांति अज्ञान असत्य। यह स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है, निकट का उल्टा क्या हो जाएगा दूर, निकट का दूर। तो आपके यहीं तक आप करेंगे, बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगी ये दोनों क्वेश्चन ख और ग, ये हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले यहीं तक करेंगे। यह समझा दूँ कर लोगे, चलो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या करना है बच्चों, संज्ञा के तीन भेद हैं, पाठ में संज्ञा उदाहरण ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, ये पार्ट ब में कराएंगे, पहले आप यहीं तक करोगे ख तक, यहाँ तक आप पूरा करेंगे। समझ आ गया, यह करा दूँ। संज्ञा के तीन भेद हैं, पाठ से संज्ञा के भेद के उदाहरण छाट कर लिखिए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलो नहीं मैं आपको मैं खुद बाद में कराऊंगी आराम से, अभी आप सिर्फ क तक ही करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित जैसे बताया था ना मैंने, सम्मान का अपमान, स्वीकार अस्वीकार, शांति अशांति, सत्य असत्य, ज्ञान का अज्ञान, निकट का दूर, इनको यहाँ लिखेंगे उपोदित शब्दों को, और ये करेंगे ध्वज का, इनको सही करके लिखेंगे वर्तनी को, और ये क्वेश्चन आंसर और लिखित क्वेश्चन आंसर ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।